हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रंजीता और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्री जूरस में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग अक्सर लोगों से सुनते हैं कि टाइम नहीं है, क्या करें, क्या बात है। अगर हम दोस्तों से बोले, क्या बात है, बहुत दिन से नहीं मिलते हो आजकल, कभी तो फ़ोन भी कर लिया करो। अरे तो जवाब आता है, अरे क्या करें, इतना बिजी है यार, पूरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ कि क्यों भाई तुम्हारा प्रिपरेशन क्यों नहीं ढंग से हो रहा है, तुम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी आंसर्स मुझे टाइम पे नहीं रिच कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, उनका भी यही जवाब होता है, मैम क्या करें, इतना तो प्रेशर है, टाइम ही नहीं मिलता। सो हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमारे पास दिन के 24 घंटे ही हैं और इन 24 घंटों को ही हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और यूज़ करके उसको इतना फ्रूटफुल, इतना बेनिफिशियल बनाना है कि हम उसका आगे जाके हमें गर्व हो कि मैंने हमने अपना टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया। हमें यह अफसोस ना रहे कि अगर हम उस टाइम में यूज़ कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो एक यहाँ पे मैंने एक कोटेशन लिखा हुआ है, एक एक्चुअली पजल है, व्हाट इज़ ऑलवेज कमिंग बट नेवर एक्चुअली अराइव्स। ऐसा क्या चीज़ है जो हमेशा आ रहा होता है लेकिन पहुंचता कभी नहीं है। तो दोस्तों इस पजल का आंसर आप लोग सारे लोग काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की बात हम जब भी करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वो टाइम ज़रूर निकाल लेते हैं छोटे छोटे कामों को करने के लिए, कंपैरेटिव टू जो लोग थोड़े कम बिजी होते हैं। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करें, जहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी इससे इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई भी इससे मना नहीं कह सकता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, अगर ये हमारा एक सीरीज़ चलेगा टाइम मैनेजमेंट, स्लिप मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों का, क्योंकि ये भी हमारा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए और सक्सेस तक पहुंचने के लिए, गेट थ्रू होने के लिए हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों इनकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना टाइम तो सबके पास वही 24 घंटे ही हैं, हम लोग इसको बढ़ा तो नहीं सकते हैं लेकिन इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, उसी के लिए आज हमारा ये टॉपिक है टाइम। तो चलिए हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। कैसे हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं कि हम अपने टाइम को मैक्सिमम बढ़ा सकें, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, उस क्या करना होता है। सबसे पहला चीज़ है टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैं यहाँ पे आपको कोई किताबी लैंग्वेज नहीं बोलूँगी या मैं आपको ऐसी कोई डेफिनेशंस नहीं दूँगी क्योंकि ये आपकी सिलेबस की चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली आपके मेरे सबके प्रैक्टिकल लाइफ की है। क्या हम प्रोफेशनल हैं, क्या हम हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, या हम एक स्टूडेंट हैं, सबके लिए ही एक ही इम्पोर्टेंस रहता है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि 24 घंटे ही हैं हमारे पास और उसी में हमें सारे काम निपटाने होते हैं और ज़्यादा ग्रो करना होता है, मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन करनी होती है, उसी में हमें सोना भी होता है, उसी में हमें अपने दोस्तों से भी बात करनी होती है क्योंकि रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसी में हमें कुछ देर गेम्स भी खेलना होता है, फेसबुक व्हाट्सएप भी करना होता है। तो सारे चीज़ को हम कर तो सकते हैं अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने के थ्रू। तो इसके लिए अब देखिए कि अब और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा साइंस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम कैसे पता चले कि हमारी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, उसके साइंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंस दो मैंने ये पॉइंट रखा तो है लेकिन ये इम्पॉर्टेंस तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर बिलीव मी, अगर आप प्रॉपरली अपने माइंड टाइम को मैनेज कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपके दिन कितने लंबे हो गए हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, आप सारा काम स्मूथली कर ले रहे हो। इसको करने के लिए आपको कुछ दिन की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पता ही है कि हम एक ह्यूमन माइंड का ये ट्रेंड होता है कि उसे 21 डेज लगता है कोई भी हैबिट को अडेप्ट करने में, तो वो हैबिट फिर उसकी
बन जाती है, वो उसका उसको अडॉप्ट कर लेता है और वो अकॉर्डिंगली चलता है। फिर उसको कोई कॉन्शियस ब्रेन की एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती है उस तरह से उस रिएक्ट करने के लिए। और कुछ प्रैक्टिकल वेज मैं आपको सजेस्ट करूंगी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एल्विस पर्सले की वर्ड है, एक कोटेशन ही है, नेवर वेट फॉर टुमारो, व्हाट इफ टुमारो नेवर कम्स। कभी भी कल के लिए इंतज़ार ना करो, क्या होगा अगर कल ही नहीं आए। एक हमने एक अपने बच्चे को मैंने पढ़ाया था 3 या 4 में, उसकी किताब में कहानी थी जी कल कभी नहीं आता, तो मुझे वो अक्सर हॉन्ट करता है। वो मुझे हमेशा लगता है कि भाई अगर मैं कभी भी कोई चीज़ कल पे टालने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे हॉन्ट कर रहा है। तो अगले क्लासेस में, अगले कुछ मिनटों में हम लोग ये सब चीज़ों पे डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, बट आज के 20 मिनट में मैं सिर्फ और सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स को करूँगी। क्यों हमारी टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा होता है। पहला चीज़, जब आपकी सारी चीज़ें जो आपने प्लान किया हुआ है वो आपका ऑन टाइम हो जाता है या बिफोर टाइम हो जाता है तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। अगर सुबह उठ के हमें पता होता है हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हम कर लेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है। जब स्ट्रेस नहीं होता है तो हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी यानी हमारी जो आउटकम्स हैं वो इंक्रीज़ होती है। और जब रात में आप सोने जाते हो, आप जब सारे कंप्लीट या सारे टास्क जो भी आपने गोल सेट किया है, आप अगर वो सारे गोल्स को अचीव कर लिए हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक खुशी मिलती है जो कि अगले दिन आपको फिर से एनर्जाइज करेगा अगले दिन के काम के लिए, एक मोटिवेशन का काम कर। क्योंकि देखो अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो तो हमारी माइंड की स्थिति कुछ इसी तरह हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, चारों तरफ से धुंधला दिखता है, चारों तरफ डिले, टाइम में रश, बिजी, ओवर टाइम, ये सब चीज़ हमारे माइंड में घूमते रहता है और हम इसको प्रॉपरली ना सो पाते हैं, तो जो कि जिसकी इम्पैक्ट अल्टीमेटली हमारे बॉडी को पड़ता है, हमारे हेल्थ को पड़ता है। तो इसके हॉरेबल इफ़ेक्ट्स क्या है? जी हाँ, हम लोग ये बिल्ली ही हैं, अपने आप को फील करो। मैंने ये पिक्चर यहाँ पे इसीलिए डाला है कि हम अपने आप को फील करें कि हम जब वेस्ट करते हैं तो टाइम तो कुछ इस तरह से कैदी की तरह ही दिखते हैं हम लोग। क्योंकि अगर हम इनएफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उसके कुछ हॉरेबल इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे चारों तरफ कन्फ्यूजन होगा, फोकस आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप बहुत गलतियां करोगे, डिसीजन मेकिंग्स आपकी सही नहीं होंगी। फिर स्ट्रेस तो है ही, अगर एक बार हमसे कोई गलती होने लगती है तो उसके बाद हम धीरे 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 स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हमारी काम करने की जगह, हमारे पढ़ने की जगह बहुत मेसी हो जाएगी, हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप देखना, अगर आप किसी के घर पे जाते हो और उसके अगर वो अगर स्टूडेंट है और उसकी पढ़ाई की जगह अगर वो बिखरा हुआ लगेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका ये एकदम इसके ऊपर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होने का ही इम्पैक्ट है। और ये सही में एक मेसी वर्क प्लेस और स्ट्रेस क्रिएट करता है और हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी करता है। तो आते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में। भागदौड़ की ज़िंदगी है, हर चीज़ को भागते हुए पकड़ना है, लेकिन उसी में टाइम तो हमें देखना ही पड़ेगा कि इस टाइम को हम लोग कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर जनरली क्या होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता था, आई डोंट नो कि आपके साथ होता है कि नहीं, जब मैं स्कूल में थी, इवन जब मैं कॉलेज में भी थी, तो हर सेमेस्टर में, उस समय तो सेमेस्टर नहीं होता था, ईयर में हर साल के एग्ज़ाम्स जब आते थे तो लास्ट के 15 दिन या महीना भर लो हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं और पढ़ते हैं। और मेरी हर साल की यही रेजोल्यूशन हुआ करती थी कि ये एग्ज़ाम तो मैं किसी तरह निकाल लूँ, अच्छे मार्क्स आ जाए किसी तरह पढ़ के, लेकिन अगले सेमेस्टर से या अगले साल से, अगले एग्ज़ाम से मैं सेमेस्टर के शुरुआत से पढ़ूंगी, साल के शुरुआत से पढ़ूंगी। लेकिन होता ये था कि अगली क्लास शुरू हो जाती थी, होने के बाद फिर मैं सोचती थी कि अभी तो क्लासेस शुरू ही हुए हैं, कुछ और दिन जाते हैं फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और करते करते फिर से वही एग्ज़ाम आ जाता था। और हर एग्ज़ाम से पहले हमारी रेजोल्यूशन रिपीट ही होती थी लेकिन कभी हम पूरी नहीं कर पाए। तो ये जो है, आप माइट भी आप लोगों के साथ भी होता है, अगर
होता है, तो जनरली मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात करती थी, उनके साथ भी ये चीज़ होता है। अब हम लोग आते हैं कि हम इसको कैसे, इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे माइंड मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने ऐसे टास्क, जो छोटे मोटे टास्क हैं जो किसी और को करने से भी हो सकता है, तो उनको ट्रस्ट कीजिए, उनको वो टास्क आप डेलीगेट कीजिए। सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रायोरिटी डिफाइन करना। प्रायोरिटी डिफाइन करना मतलब हम सबके पास कुछ ऐसे काम होते हैं जो हाईली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ लेसन्स ऐसे हैं जिनको आपको बहुत जल्दी ही पर ख़त्म करना है। माइट बी आपका अगले हफ्ते उसका एग्ज़ाम है, तो आपको वो एकदम हाई प्रायोरिटी है। तो कुछ हाई प्रायोरिटी होती है, कुछ मिड प्रायोरिटी और होती है, कुछ लेस प्रायोरिटी होते हैं, और कुछ ऐसे होती हैं जिनका जो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं आता है, लेकिन उसको करना हमें पड़ता है। सो वी कैन डिवाइड इट इन टू फोर ग्रुप्स। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। यानी ऐसा चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत अर्जेंट भी है। तो सबसे पहले हमारा फोकस देखो एक नंबर पे वही होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। सेकंड, जब हमारा जैसे हमारे शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है, जो मैंने कहा कि अगले हफ्ते आपका एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली आप उस टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ो, उसके लिए आप शेड्यूल बना लो कि ये पीरियड में मुझे ये कंप्लीट करके उसके बाद फिर हमको रिवाइज़ करना है। आप डेडलाइन सेटअप कर लो, ठीक है। लेकिन आप कभी भी ये मत करो कि आप प्लान कर रहे हो, ऐसा अपने लिए ऐसा कुछ भी शेड्यूल डिफाइन मत करो या गोल डिफाइन मत करो जो पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर आपकी हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में इस काम को करें। हो सकता है किसी एक्स को हिम्मत है कि वो 15 घंटे, 16 घंटे एक साथ पढ़ सकता है, टेस्ट स्ट्रेच पढ़ सकता है, और वो भी कंसनट्रेटेड होके पढ़ सकता है। वही कोई और भी है जो 2 घंटा भी नहीं पढ़ सकता है। 2 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 1 घंटा भी वो कंसंट्रेट होके नहीं बैठ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपके आपका टेनेसिटी के ऊपर, आपकी कितना देर आप कंसंट्रेट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अगर आधा घंटा भी नहीं बैठ पा रहा है तो वो कभी 15 घंटा नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है, आधा घंटा से बढ़ा के आप 15 घंटा तक भी कंसंट्रेट कर सकते हो। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग टाइम पे कंसंट्रेट करते हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाओ। अगर हमको कलकत्ता से दिल्ली जानी होती है तो हमारा ट्रेन जो है अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरती है, ये नहीं कि वो एक बार में पहुंच जाती है। तो हमें हवाई जहाज़ नहीं बनना है, हमें ट्रेन की तरह बनना है। यानी छोटे छोटे गोल्स, जो स्टेशन्स हैं वो आपके छोटे छोटे गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करो। आपको आपको खुशी मिलेगी, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, आपका माइंड एनर्जाइज होगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी, और फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को बड़े बनाओ। फिर आपकी, लेकिन जब भी आप करो उसकी फोकस जो है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में ही होने चाहिए। यानी आपको अगर जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करना है तो आपका लॉन्ग टर्म गोल आपका जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसके 16 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है। सो आपकी फोकस वहीं पे रहेगी, लेकिन आपकी मैनेजमेंट क्या होगी, छोटे छोटे गोल्स में होगी। क्योंकि आप एक दिन में एक छलांग से, एक जंप से आप दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। तो यू हैव टू बियर द ट्रेन। आपको ट्रेन लोगे, आप ट्रेन में एक एक स्टेशन क्रॉस करोगे और फिर आप वहां पे पहुंचोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, फोकस। इसीलिए मैंने कहा इसको सेकेंड ग्रुप में कहा गया है। देखिए आप, थर्ड है कि आप डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शंस को अवॉइड करो। अवॉइड करो मतलब कैसे, जैसे जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो आप ये अवॉइड करो, ठीक है। अगर आप 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक लो 5 मिनट का, उसके पानी वानी पियो, थोड़ा इधर उधर घूमो और फिर आके बैठ जाओ।
ये नहीं कि आप उस समय व्हाट्सएप में लग गए या फेसबुक का थोड़ा सा देख लिया या पढ़ते पढ़ते ही कोई नोटिफिकेशन आया, हम उस पर ध्यान चला गया। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी कंसंट्रेशन पावर को ही सिर्फ नहीं वेस्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, बल्कि आपके पूरे टाइम मैनेजमेंट को किल करते हैं। आप एक बार नोटिस करना कि कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आप व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया में आप घुसे हैं और ये एक लंबा हो गया, जब आप उठते हैं तब आप देखते हैं कि कम से कम 3 घंटे बीत गए हैं। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा है जब बोले कि एक गेम खेल लेते हैं फिर उठ जाएंगे, और वो गेम खेलने बैठते हैं तो पूरा रात निकल जाता है। सो इस तरह से क्या होगा, आपकी तो टाइम चली जाएगी ना। तो ये डिस्ट्रैक्शन, हम ये नहीं बोल रहे कि आप गेम मत खेलो, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप सोशल मीडिया से एकदम आहार हो जाओ, लेकिन प्रायोरिटाइज करो आपके उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी क्या प्रायोरिटी है उसको डिफाइन करो, और उस समय की जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसमें और किसी चीज़ का इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त मत करो, उसको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन को आप अलाउ मत करो। थर्ड है लिमिट करो, आप ये जो भी काम आप कर रहे हो आपकी बेसिक फोकस होनी चाहिए आपका जो एम है उसके ऊपर। अगर आपकी जुडिशियल सर्विस आपकी एम है तो आप उसको फोकस रखो और अपने टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लिमिट करो, क्योंकि ये फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया आपको अल्टीमेटली आपको फोकस क्या आपको आप अपने देख लो, अगर आपको ये सोशल मीडिया आपको आपके फाइनल गोल तक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है तो वेल एंड गुड, तब आप उस पर कोई भी लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो आपके टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर आपको दिखता है कि हाँ ये हमारा हर्डल्स है, ये एक तरह से ब्लॉकेज है हमारे रास्ते का, तो फिर आपको तो सोचना ही पड़ेगा, आपको लिमिट करना पड़ेगा। एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन लिमिट योर सेल्फ, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो, आप जो ये जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आप जो भी काम हम लोग करते हैं अपने लिए करते हैं, और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो अगर अब आते हैं हम लोग, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हमें कोई स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस को बहुत इजीली डील करना होता है, बहुत वाइजली डील करना होता है। इस डिटेल इस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक अलग सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेडीज़ भी क्या करती हैं, हम लोग वर्किंग लेडीज़ हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ दो दो काम करना चाहते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी आजकल एक दो 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 काम करते हैं। तो मल्टीटास्किंग को आप अवॉइड करो, जैसे खाते खाते आप फ़ोन देख रहे हो, या हम भी देखते हैं, या खाते खाते हम लोग टीवी देखते हैं, या फ़ोन पे बात करते करते ही हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग को आप अवॉइड करो, क्योंकि ये ब्रेन की कैपेसिटी को कम करता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप इस पर सर्च करना, देखना मल्टीटास्किंग कितना हार्मफुल है हमारे ब्रेन के प्रॉपर वर्किंग के लिए। सेकेंड थिंग, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली मतलब कोशिश करो जिस टाइम में आप उठते हो या जिस टाइम में आप स्टार्ट करते हो, आप पढ़ाई की जब बात कर रहे हैं तो वो सुबह का टाइम हो, जब सब लोग शांत हो उस टाइम में अगर आप कर पाओ तो इट विल बी वेरी यूज़फुल। लेकिन ये अर्ली वाला कंसेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। कुछ लोग रात में अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लोग हैं कि आवाज़ में भी गाना सुनते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे, लेकिन आपकी माइंड स्मूथ होनी चाहिए। और इसके लिए आपको रेगुलर ब्रेक लेने की आवश्यकता है, आपको छोटे छोटे ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। और समथिंग यू हैव टू लर्न, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न टू से नो। अगर हर कोई आपको कोई भी सजेशन कोई भी काम देता है, आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई पढ़ रहे हो, उस टाइम में आपके फ़ोन का फ्रेंड का फ़ोन आता है तो यू हैव तब आप बोलोगे कैसे उसको मना करें। या कोई आपका फ्रेंड आपको विजिट करने आता है जब आप पढ़ाई का टाइम है, तो नहीं, इस टाइम को आपको सीखना पड़ेगा लर्न टू से नो कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मेक हिम अवेयर दैट दिस इज़ योर स्टडी टाइम एंड यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ भी हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव
सकते हैं। और जब आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करोगे तो आप देखोगे आपके लिए सभी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है, आपकी फैमिली के लिए आपके पास टाइम है, आपके सोशल गैदरिंग्स के लिए आपके पास टाइम है, आपके जितने भी कमिटमेंट्स हैं उसके लिए टाइम है, और पर्सनल टाइमिंग भी है, और अगर आप काम करते हैं तो आपके ऑफिस या आपके कॉलेज के लिए जो टाइमिंग है, और हेल्थ भी। होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो हमें लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ज़रूर दबाएं, ताकि हम इस तरह की वीडियोस और बना सके। और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस और किसी टॉपिक पे चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।